तो भाई साहब, दो शादियां पूरे एशिया के सरदर्द बन गई हैं। एक पाकिस्तान में रबीका खान की शादी और दूसरी तरफ इंडिया में अंबानी फैमिली की शादी। उफ यार, अंबानी फैमिली ने में अंबानी ने जो जस्टिन बाइबर को 83 करोड़ में बुलाया और जस्टिन बाइबर ने आगे स्टेज पर कच्चे दिखा दिए, जो कि गजब बेइज्जती है। इंडियन हर रोज सुबह फुटपाथ पे को कच्चे देखते हैं, अंबानी ने 83 करोड़ में दिखा दिए और आवाम सरदर्द पकड़ के बैठी है कि यार बस कर दो, क्या कर रहे हो। 83 करोड़ में वो टॉयलेट ही बना लेते जो अक्षय कुमार ने एक फिल्म बनाई थी कि मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पाक इंडिया के अंदर टॉयलेट नहीं है तो उसमें तो टॉयलेट भी बन जाने थे। चीटिंग करता है तू। लेकिन अंबानी ने सोचा नहीं, कच्चे दिखाए जाए और 83 करोड़ के अंदर ये फंस गया सी है। लेकिन रबीका खान की तरफ आते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक टिकटॉकर हैं और उनकी शादी, वो खुद को कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो। उनसे एक सवाल किया गया कि क्या आप अंबानी की फैमिली की शादी को क्रॉस करेंगी, तो उन्होंने कहा हो सकता है। अंबानी की शादी का रिकॉर्ड तोड़ेंगी, क्या पता ऐसा हो जाए। और भाई स्पॉन्सर शादियां करने वाली तू, अंबानी की फैमिली को जो कि 83 करोड़ में जिसने कच्चे दिखाए हैं, तू इतना कर सकती है? 83 करोड़ यार बहुत बड़ी कीमत होती है। और आप कहेंगे हाँ, अंबानी की फैमिली की शादी से शायद हो सकता है कि वो बराबर हो जाए, मैच हो जाए। लाल कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो लड़की का यार। मोहतरमा ये नहीं, मोहतरमा ढांडियों वाले दिन कुछ ढांडियां चल रही हैं, कुछ डांडियां कहते हैं पूछा मैंने कुछ, पर क्या यार, क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं और उसमें टोटली जो भी दोस्त मिल रहे, ओह माय गॉड माय क्यूटू, ये इनका इस तरह से कंटेंट बन रहा है। लेकिन डांडियों वाले दिन आपने जो उसका ड्रेसिंग सेंस देखी उसके हस्बैंड की, कि यार आप क्या ही मेरे, ओ मेरे हीरो, हीरो। ओ, मेरा हीरो। तोबा तोबा तोबा। ड्रेसिंग सेंस देखो भाई साहब, ग्रीन शलवार, वाइट कुर्ता और ऑरेंज जैकेट, पूरा एक मरासी, जिस तरह से ढोल बजाने वाले मरासी पहन के आते हैं ना। हम देखते हैं कि फंक्शन हो रहे होते हैं गांव के अंदर, जब फसल की कटाई होती है, तो उस टाइम इस तरह के फंक्शन के अंदर वो मरासी लोग पहन के आते थे और वो हल्ला गुल्ला डालते थे, रंगीन कलर यानी नजर आए, जो कि फसल की आगे कटाई होना होती थी। तो इस तरह की ड्रेसिंग सेंस उसने की हुई थी, कोई सेंस बन ही नहीं रही थी ना यार। उसके बाद क्या किया मैंने, तो पर्सनैलिटी को डब्बे में बंद कर दिया कि यार ये बड़ी पर्सनैलिटी है लड़के की, क्योंकि उसने जिस तरह की ड्रेसिंग की है तुमसे ना हो पाएगा। तर्मा का कॉन्फिडेंस चेक करो भाई, मेरे हीरो लग रहे हो यार, क्या ही ड्रेसिंग है, उफ उफ क्या ही ड्रेसिंग है। बट यार कॉमन सेंस की बात है, कोई अच्छा सा ड्रेस ले लेते। लेकिन आपने स्पॉन्सर ड्रेस ही जो पहनने होते हैं, गजब बेइज्जती है। तो कोई भी कुछ भी ला के दे, आपने तो पहनना है। और आप कुछ लोग समझ गए कि शादी होगी, लेकिन बाद में कुछ बेचारों को पता चला कि नहीं, एंगेजमेंट, जो कि एंगेजमेंट का क्या यार, एंगेजमेंट यहाँ पे अगर निकाह हो जाता तो मैं बड़ा ही खुश होना था कि हमारे में तेरे बाप को मैं सिखाता हूं, हलाल चीज हो जाती। लेकिन एंगेजमेंट का कहीं का कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये बात तो सही है, एंगेजमेंट चल रही थी अभी, 40 व्लॉग एंगेजमेंट पे आ गए, 40 फंक्शन एंगेजमेंट पे आ गए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? मुहतरमा तैयार होने के लिए जब गई है पार्लर के अंदर, तो वहां पे एक अजब से चुटकुला छोड़ा। मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि यार मैं ना आजकल कंटेंट सोच नहीं पा रही। सबसे पहले आते ही साथ में कंटेंट सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा कंटेंट सोचने को टाइम नहीं मिल रहा। मोहतरमा कंटेंट का तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो ध्रुव रात्री जो हैं इंडियन के, उनको बीट करने वाली हैं। जबकि उनका कंटेंट क्या होता है, हाय हेलो आज हम डांडियां कर रहे हैं, हाय तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया, हाय हेलो आज हम मेहंदी लगा रहे हैं, हाय हेलो आज मैंने खुस्सा पहन लिया, हाय हेलो आज मेरा ड्रेस आ गया। That is the content of मोहतरमा, और कह रही है कि आज मुझे content सोचने का टाइम नहीं मिलता। ओ भाई मारो मुझे मारो, थोड़ा सा जिसकी वजह से आपको ऐसा content देखने को मिलता है और देखने वाले कहते हैं वाह 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 क्या content, बहुत अच्छा बना रही है। वो समझते हैं कि हमारे content पे लोग हमें देखने आ रहे होते हैं, लेकिन अक्सर फॉलोअर तो कुछ और देखने के लिए ही आते हैं ना। तो मोहतरमा वहां पे जब मेकअप करा रही है तो वहां पे डाइट का जिक्र हो जाता है कि डाइट की वजह से मैं पैनिक हो गई, लेट हो गई, इतना ज्यादा मैं पैनिक कर गई थी डाइटिंग की वजह से जस्ट। और पहले तो मैं डाइट पे थी भाई साहब, उनका वजन है 90 kg और ऊपर से बातें कर रही है डाइट की कि मैं आज डाइट नहीं कर रही, डाइट नहीं कर रही के चक्कर में पास्ता खा लिया, ये खा रहे हैं कितने वाला बड़ा, जो बड़ा पैक होता है वो पास्ते का हड़प गई। बिल्कुल चुप, तो पहले डाइट कर रहे होते हैं ना तो उनका मेदा एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मोहतरमा माशाल्लाह फुल पैक पास्ते का जो बड़े वाला होता है 1000-1200 वाला वो खा गई है और कह रही है कि डाइट की वजह से मैं पैनिक, तौबा तौबा, डाइट की वजह से उनका कंटेंट नहीं बन रहा। और जब तैयार होके होने लगा है फोटोशूट, फोटोशूट पे तो यार मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा यार कि अगर आप इतना ही स्पॉन्सर करवा रहे हो किसी से, उसे को यार फोटोशूट के टाइम जो पीछे बैनर्स लगे हुए हैं
पुरानी फिल्मों के बैनर आगे पीछे चिपका दिए हैं, वो आपकी ही पिक्चर्स के बैनर बना के लगवा लेते यार, कुछ उनको थोड़ा बहुत आप भी पैसा दे देते ना। इतना बड़ा स्पॉन्सरशिप आप ले रहे हैं उनसे कि स्पॉन्सर कर दे सारी शादी, उन्होंने स्पॉन्सर कर दी, वो एक बैनर चुनने मुन्ने से वो आप खुद ही ले लेते यार, आप अपनी पिक्चर्स पीछे लगाते और वहाँ पर आप फोटोशूट कराते तो एक वो अलग ही मजा आता ना। लेकिन पीछे से वो पुराने को देवदास टाइप की मूवियों के बैनर्स पीछे लगे हुए हैं और सारा का सारा डेकोर का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन मोहतरमा कह रही है बहुत ही अच्छा आप सजाया यार। Who are you? और अभी एंगेजमेंट वाले दिन एक लंगूर आके गिफ्ट देता है। मैं अलग से गिफ्ट लेकर आया हूं। लंगूर कहता है कि हमारा बच्चा सोना है, हमारा बच्चा सोना है, अभी अपने रोना नहीं है, रोना नहीं है। लंगूर साले वो तेरी वजह से अपना सारा इवेंट बर्बाद करेगी क्या? इसमें इतने गिफ्ट में ऐसी क्या कौन सी चीज है कि उस पर इतना इमोशन हो जाएगा और उसके वो रोना स्टार्ट कर देगी और अपना मेकअप खराब कर देगी यार। फेक रिएक्शन, फेक ओए क्या समझते हैं ये आवाम को, चीज समझते हैं साले ये इस तरह का रिएक्शन के गिफ्ट दे रहे उस पर रोना आ रहा है, गजब बेइज्जती है। एंगेजमेंट के लास्ट टाइम बीच टाइप सीन नजर आ रहा है और वहां पे शूटिंग हो रही है। शूटिंग में जो कैमरा यूज हो रहे हैं तकरीबन 30 के करीब कैमरे यूज हो रहे हैं और बीबी कहां कहां से पोज लेना था यार, इतने कैमरे। हाँ हम भी फोटोग्राफर बुलाते हैं, दूसरे लोग भी बुलाते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं ताकि एक कंटेंट अच्छा सा बने, लेकिन 30 कैमरा मैन Oh my God, what is this? तोबा। क्या इतनी कम्प्लेक्सिटी कि हमारा कोई ऐसा सीन ना रुक जाए, हमारे कोई ऐसा पोज ना मिस हो जाए जो ना लिया हो, कहाँ कहाँ से पोज ना लिए हो, तो 30 कैमराज। उफ 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 उफ, क्या ये स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो शादी है ना वो इस तरह से होंगी? ये टोटली जो मुझे लग रहा है ना ये कॉपी हो रही है इकरा सिस्ट्रियोलॉजी जो है ना वो सिस्ट्रोलॉजी की कॉपी हो रही है। मेरे ख्याल में इकरा कौन, लेकिन उसका कंटेंट थोड़ा सा मैच्योरिटी वाला होता है, रबीका का कंटेंट तो ऐसे बच्चों वाला, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एक थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हर 2 मिनट बाद क्यूटी पाए आ रहा है, इस तरह का कंटेंट है और बेबी को इस पर भी सोचना पड़ता है कि डोरव राठी जो है ना उसको कम्पीट करना है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा तो ये कंटेंटिंग हो रही है रबीका खान की। मोहतरमा ने एंगेजमेंट वाला ड्रेस स्पॉन्सर्ड पहना हुआ था, बट उसकी जो स्टिचिंग थी वो तो इंतहाई फजूल थी, जिस पर वो अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। लेकिन मोहतरमा ने क्या जब क्वेश्चन किया गया कि आपके आप एंगेजमेंट वाले दिन ना ड्रेस में थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन मोहतरमा ने जवाब दिया कि हाँ वो मैंने ना अपना ड्रेस ऑर्डर किया था लेकिन वो टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ। ओ बेबी, आप इतना बड़ा इवेंट करने जा रही हैं अपना एंगेजमेंट का और आपने एक ड्रेस ऑर्डर किया और वो टाइम पे डिलीवर नहीं हो, तो आप क्या छोड़ती हैं उस पर्सन को? क्या आपने तो सोशल मीडिया का सहारा लेके उसका बेड़ा गर्क कर दिया था। साफ बात कहें कि ये स्पॉन्सर्ड था, बिल्कुल चुप। तो जब 1 घंटा पहले आया तो उन्होंने कहा कि हम आपको इतने लाख देंगे और स्पॉन्सर ड्रेस पहन ले और हमारा नाम ले ले, तो आपने वो पहन लिया और उसके बाद आप अनकंफर्टेबल फील होती नहीं, लेकिन आपने कहा कि स्पॉन्सर्ड चीज को तो नहीं छोड़ना यार, जो कुछ हो जाए शादी अपनी एंगेजमेंट स्पॉइल हो जाए, लेकिन स्पॉन्सरशिप को टिकटॉकर ने नहीं सोचना छोड़ना, यूट्यूबर ने नहीं छोड़ना कि जो चीज स्पॉन्सर हो रही है वेल एंड गुड, कोई नहीं, शादी है अपनी, कुछ नहीं होता, फ्लॉप हो जाए कुछ तरीका है भीख मांगने, कुछ नहीं होता, मैं अनकंफर्टेबल फील हूं, लेकिन पैसा जहां से आ रहा है ना आवाम को चे बनाना है, आवाम को चे बनाना है और पैसा आ रहा है हर एक इवेंट को स्पॉन्सर्ड करके, हर एक इवेंट में एक इवेंट ऑर्गेनाइजर का नेम लेके आवाम को बताया जा रहा है कि यहाँ से अपनी इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाओ, क्योंकि क्योंकि उनके तो फ्री में हो रहा है चक्कर, लेकिन आवाम बेचारी वहाँ जाके फंसेगी और बात तो सही है, लाखों का उनका हो जाना है खर्च वहाँ पे। और भाई सिंपलिसिटी की तरफ आओ, अगर एक एंगेजमेंट करनी है पहले तो एंगेजमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, निकाह कर लेते तो मैं बड़ा खुश होता कि मैंने कुछ बाकी यार एक हलाल काम किया। लेकिन ये इतना बड़ा वावेला बनाने के बाद आगे जाके मैंने देखा तो एंगेजमेंट की रिंग हो रही है और उसके बाद इमोशनल हो रहे हैं और इमोशनल इस टाइप की ओए ओए ओए, जैसे अभी रुखसती हो रही है और पता नहीं क्या बात पक्की होने पर इमोशनल। ओ भाई मारो मुझे मारो यार, क्या अमाम कुछ ये कितना समझते हैं ना यार ये लोग, ये टिकटॉकर, ये व्लॉगर, ये क्या समझते हैं खुद को। मैं भी इतना अभी तक इतना वो नहीं करता कि यार कोई अमाम को तो पता होता है रियलिटी क्या है और उस पर आप इस तरह से बिहेव करें कि हम कुछ ये हैं वो हैं, दिस इज नॉट फेयर विद द
पीपल। शादी की अभी तैयारियां हो रही है भाई साहब, शादी अभी आगे आ गई तो फिर तो आपको अभी 2 महीने आगे चलने पड़ेंगे, क्योंकि रबीका खान की शादी है तो अभी से इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे और 1 साल बाद शादी है तो यह इवेंट तो चलते रहेंगे। आज छोटी डांडी का, आज एक छोटी मेहंदी, एक बड़ी मेहंदी, छोटा ड्रेस, बड़ा ड्रेस, और हुसैन की फिलानी, हुसैन की ढिंगानी, ये सारा कुछ अभी चलता रहेगा और 2 साल आपको ये कंटेंट देखना पड़ेगा। लेकिन इंजॉय करने वाले इंजॉय करेंगे, लेकिन वो कौन सी चीज इंजॉय करेंगे तो आपने नेक्स्ट कमेंट में बताना है कि किसको रोस्ट किया जाए, क्योंकि रोस्टिंग अब चल चुकी है और हम किसी न किसी को रोस्ट करते रहेंगे और आप कमेंट में जिस पर्सन का नेम लेंगे तो उसको रोस्ट किया जाएगा। तो इसके साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।